असंध ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। आज 21 जनवरी है, पेश है आज की मुख्य खबरें। हैफेड सुगर मिल में किसानों ने किया तोलबंद, सरकार व प्रशासन के खिलाफ किनारेबाजी। एसडीएम कार्यालय में भारतीय किसान यूनियन ने अपनी समस्याओं को लेकर एसडीएम से की मुलाकात। गांव जुंडला में देवी मंदिर के सामने बस की टक्कर लगने से बाइक सवार की मौत, आज करवाया जाएगा पोस्टमार्टम। कतलाडे गांव में इनेलो कार्यकर्ताओं की हुई बैठक, किसान सेल के प्रदेश अध्यक्ष रहे मौजूद। असंध शहर से दिल्ली, निसंग व राडा के लिए शुरू हुई बस सेवा, यात्रियों को मिलेगा फायदा। अब खबरें विस्तार से। गांव फपडाना स्थित हैप्पड़ सुगर मिल में किसानों ने किया तोलबंद, सरकार व प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी। करनाल जिले के गांव फपडाना स्थित हैप्पड़ सुगर मिल में आज किसानों ने गन्ने की किस्म 160 की पर्ची न मिलने पर और काट ज्यादा होने की वजह से परेशान होकर तोलबंद कर दिया और सरकार व प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रोष व्यक्त किया। वहीं इस दौरान किसानों ने उप प्रधान रहे जयसिंह की मौत पर 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। किसानों के धरने की सूचना मिलते ही धरने पर एसडीएम मनदीप कुमार ने किसानों की मांगों को सुना और काट बंद करने और समय पर पर्ची देने का आश्वासन दिया, जिसके बाद किसानों ने तोल चालू करवाया। जिसके बाद किसानों ने धरना समाप्त कर तोल चालू करवाया। वहीं आज गन्ना संघर्ष समिति के प्रधान विजेंद्र राणा ने बताया कि इस बार गन्ने में ज्यादा बीमारी आई है, जिसके चलते गन्ने का सही सफाई नहीं हो सकती। लेबर भी परेशान हो चुकी है, लेकिन मिल में काट ज्यादा लगाई जा रही है, जिससे किसानों को नुकसान हो रहा है। इस अवसर पर किसान काला, सुभाष, दिलावर, राजू, पवन, अमित, विनोद, राकेश, जसवीर, वीरेंद्र, अर्जुन, राजेंद्र, हीरा, अमित बलवान आदि किसान मौजूद रहे। असंध के एसडीएम कार्यालय में स्कूल खोलने को लेकर स्कूल एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। आज असंध स्कूल एसोसिएशन ने स्कूल खोलने को लेकर मुख्यमंत्री हरियाणा के नाम एसडीएम मनदीप कुमार को एक ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान शहर व गांव के स्कूल संचालक व प्रिंसिपल मौजूद रहे। वहीं आज स्कूल एसोसिएशन के प्रधान रिचपाल राणा ने बताया कि पिछले साल 2 साल से स्कूल बंद पड़े हैं। सरकार की गाइडलाइन के अनुसार कभी स्कूल बंद हो जाते हैं तो कभी खोल दिए जाते हैं, जिससे बच्चे भी परेशान हो चुके हैं और अभिभावक भी तंग आ चुके हैं। उन्होंने कहा है कि जब प्रदेश में सभी काम गाइडलाइन के अनुरूप चल रहे हैं तो स्कूल पर सरकार की कड़ी नजर होनी चाहिए और स्कूलों को जल्द से जल्द खोलना चाहिए। इस अवसर पर आरवी भारद्वाज, सुरेश गोयल, नरेश राणा, सुखपाल सिंह, पवन राणा, सुरेंद्र सिंह, पवन सिंह, राजबीर, नरेंद्र कुंडू, सियाराम शर्मा, दर्शन सिंह, राजकुमार सहित अन्य स्कूल संचालक व प्रिंसिपल मौजूद रहे। असंध से दिल्ली, निसंग और राहडा के लिए शुरू हुई बस सेवा, यात्रियों को मिलेगा फायदा। आज बस अड्डा इंचार्ज सुभाष राणा ने दी जानकारी। असंध के में स्थानीय बस स्टैंड से दिल्ली, निसंग और गांव राहडा के लिए बस सेवा की शुरुआत की गई है। यह बस सेवा शुरू होने से जहां 2 ग्रामीण रूटों पर दर्जनों गांव के यात्रियों को फायदा होगा, वहीं दिल्ली के लिए बस सेवा शुरू होने से दिल्ली जाने वाले व्यापारियों और नौकरी करने वाले लोगों को इसका फायदा मिलेगा। आज यह जानकारी असंध बस अड्डे पर बस अड्डा इंचार्ज सुभाष राणा ने दी। उन्होंने बताया कि असंध बस स्टैंड से सुबह 9 बजे, दोपहर 12 बजे और 3 बजे असंध से निसिंग के लिए बस सेवा की शुरुआत की गई है, जो कि असंध जयसिंहपुरा, उपलाना, उपलानी, चोरकारसा, डाचर के रास्ते निसिंग जाएगी। वहीं असंध से दिल्ली के लिए सुबह 5:40 पर बस चलाई गई है, जो कि वाया स्पिद्दो, पानीपत के रास्ते दिल्ली जाएगी। इसके अलावा गांव राहडा के लिए बस सेवा की भी शुरुआत की गई है, जो कि सुबह 7:30, 8:30, 3:30 असंध से राहडा के लिए बस सेवा की शुरू की गई है। यह वाया केडी सरपली बसी बिलोना होते हुए गांव राहडा पहुंचेगी। वहीं गांव राहडा से सुबह 8:00, 9:00, 4:00 राहडा से असंध के लिए बस सेवा शुरू की गई है। राहडा और निसंग रूट पर बस सेवा चालू होने से काफ़ी संख्या में ग्रामीणों को लाभ मिलेगा। आपको खबरें कैसी लग रही हैं? खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को शेयर करें, साथ ही अपने कमेंट जरूर दें। धन्यवाद।